देखो एक रेयर कंडीशन है, आई डोंट हैव टेस्ट बड्स, तो मैं कुछ भी खाना खाता हूँ मुझे उसका टेस्ट नहीं आता। तो मैं किसी को भी ये बात बताता हूँ तो उनका पहला रिस्पॉन्स रहता है मतलब तू गोभी खाएगा तेरे को पता नहीं चलेगा। चूतिया सूंघ सकता हूँ मैं, बस टेस्ट नहीं आता, खाना सूंघ के ही खाता हूँ। इसीलिए भगवान ने नाक मुंह के पास बनाया कि लोग खाने से पहले सूंघ सके सही है कि नहीं है। तो पर मैं जब भी किसी को भी अपनी ये कंडीशन बताता हूँ तो लोगों को समझ में नहीं आता रिस्पॉन्ड कैसे करना है, क्योंकि ये कंडीशन इतनी रह रहा है उनको समझ में नहीं आता कि इसके लिए सैड फील करना है तो कितना फील करना है। तो सिंपति के लिए पूछ लेते कि ब्रो हुआ क्या था, कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? हाँ, बाइक चलाते चलाते जुबान के साइड से गिर गया था। पैदा ही ऐसे हुआ था। ऊपर से इतनी रेयर कंडीशन है, मेरे को शुरू के 10 साल तक पता ही नहीं चला था कि मेरे टेस्ट बड्स नहीं है। मैं बाकी लोग को पागल समझ रहा था कि ये रोज अलग अलग खाना क्यों बना रहे, रोज खिचड़ी बनाओ सबका टेस्ट तो सेम ही है। फिर बाद में अच्छा मेरे ही साथ प्रॉब्लम। तो पर और टेस्ट बड्स होने ना होने के नुकसान भी है, क्योंकि मैं थोड़े जब लॉकडाउन में अकेले था तो मुझे घर पे खाना बनाना पड़ा, तो मैं ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखना चालू किए कि खाना कैसे बनाते हैं। और वो ऑनलाइन बनाना सिखाने वाले लोग इतने प्यारे हैं ना, उन लोग खाने में कोई भी अमाउंट नहीं बताते कितना डालना, हर चीज़ में बोलते स्वाद अनुसार डालो। मेरा स्वाद है ही नहीं, अनुसार कहाँ से लाऊं मैं? तो मेरा दोस्त बोलता है तुझे स्वाद अनुसार से क्या फर्क पड़ता है, नमक मिर्ची जितनी मर्जी उतनी डाल दो, ये तो टेस्ट आने वाला नहीं है। ना मुझे खाते टाइम टेस्ट नहीं आएगा, बाद में हाथ के टाइम गांड तो चलेगी ना। तो मैं रोज बना रहा था, रोज कुछ ना कुछ ज्यादा हो जाता था, रोज लूज मोशन होने लगता था। तो मेरा रूममेट आया बोलता तू क्या चूतिया आदमी है, जब तेको पता चल गया तू इतना डाल रहा है तो तेरी गांड जलती है, तो उससे थोड़ा कम डाल। तो अब मैं गांड अनुसार नमक और मिर्ची डाल रहा। मैं तुम लोगों को गारंटी देता हूँ, तुम लोग घर से सोच के नहीं आए थे कि कोई बंदा स्टेज पे चढ़ के बोले गांड अनुसार नमक डाल दिया। तो फिर मैं पक गया था गांड अनुसार खाना बनाते बनाते, बोला अब ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, तो अब मैं जिस ऐप से ऑर्डर किया था उसका मजाक उड़ाने वाला, तो मैं तुम लोग को वो ऐप का नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि फिर जेल में डाल देंगे आजकल, किसी भी चीज़ के लिए जेल में डाल देंगे। पर वो ऐप टोमेटो से राइम करती है, पर टोमेटो से राइम होती है। मैं खाना ऑर्डर किया वहाँ पे, मैं बेस्ट मेरा ऑप्शन है, तुम लोग कभी भी ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना होता है तुम लोग को ढूंढना होता है कि आज क्या मूड है, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब सेम है मेरे लिए, जो सामने पहला आया मैं ऑर्डर कर देता। तो मैंने ऑर्डर किया पर 2-3 घंटे हुए खाना आया ही नहीं, तो मैंने उसमें से डिलीवरी बॉय का नंबर ढूंढा, मैं उसको फ़ोन किया, बोला सर 2-3 घंटे पहले मैंने पिज्ज़ा ऑर्डर किया था अभी तक आया नहीं है। बोलता हाँ वो तो मैं खा गया। अब कोई पॉज नहीं था, कोई ऐसा नहीं था सॉरी सर भूख लग ली थी खा गया, ऐसा कुछ नहीं था। बोला हाँ खा गया मैं, जो खाड़ना वो खाड़ ले। अब मैं क्या करूं, बोलता आप कस्टमर केयर से बात करो आपको रिफंड मिल जाएगा, मैं तो खाना खा लिया वो तो नहीं मिलेगा। ठीक है मैं कस्टमर केयर का नंबर ढूंढता हूँ। तो मैंने ऑनलाइन कस्टमर केयर का नंबर ढूंढने के लिए गूगल किया, तो ये चूतिया इतनी कंपनी है ना, नंबर तो आया 1800 का टोल फ्री नंबर था कोई आया, पर बाजू में ब्रैकेट में लिखा हुआ था नॉट वर्किंग। तो डाला क्यों मैं ऑनलाइन? फिर मैंने कहीं से ढूंढ के कैसे भी ढूंढ के कस्टमर केयर को फ़ोन किया, तो मैं उसको पूरा एक्सप्लेन किया कि मैंने ऐसे खाना ऑर्डर किया था, मैंने टेस्ट बड्स नहीं है, पूरी स्टोरी बताई।
तो ऐसे दोस्ती हो गई थी थोड़ी सी। तो पूरा एक्सप्लेन किया, बोला 2-3 घंटे हुए खाना ऑर्डर किया, फिर डिलीवरी बॉय को फोन किया, बोलता मैं खा गया, जो खाना खा लो। तो बोलता अच्छा राजेश, मतलब तुम लोग समझ रहे हो। उसने कोई पॉज नहीं लिया, उसने कुछ पूछताछ नहीं किया कि डिलीवरी बॉय का नंबर क्या था, नाम क्या था। बस बोलता राजेश, मतलब समझ रहे हो, वहाँ पे उन लोग के ऑफिस में उन लोग को पता है कि उन लोग के पास एक डिलीवरी बॉय है राजेश नाम का, जो सबके खाना खाया जाता है। और ऊपर से उनको ऑर्डर आया है कि देखो ये राजेश हमारे यहाँ काम करता है, ये तो खाना खाएगा सबका, आपको संभालना है कस्टमर को, ठीक है, ये इसका खाने का काम है, ये खाते रहेगा। बोलता सर राजेश आप टेंशन मत लो, बस आप बताओ घर पे तो नहीं आया था वो। बोला नहीं घर पे तो नहीं आया, घर पे आता तो ऑर्डर दे देता ना, ये क्या चूतिया सी बात हुई। बोलता नहीं सर, क्योंकि उसके मूड के ऊपर है, जिस दिन उसको डिलीवर करना होता है वो कर देता है, जिस दिन खाना होता है खा लेता है, एक दिन उसका मूड था मर्डर करने का, उसने हाफ मर्डर कर दिया था। बोला डिलीवर करने का मर्डर कैसे कर दिया। बोलता वो बर्गर लेके गया, फिर कस्टमर ने सामने से केचप मांग लिया और राजेश को ये बात पसंद नहीं आई तो पेल दिया। बोला अब मैं क्या करूँ, लेकिन राजेश के पास मेरा एड्रेस है। उसका कुछ मूड बना के रखो तुम लोग, ठीक है। तो बोलता सर आप टेंशन मत लो, हम यहाँ से आपका ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, आपको आधे घंटे में नया ऑर्डर मिल जाएगा या तो रिफंड मिल जाएगा। बोला देखो अगर राजेश लेके आ रहा है तो मुझे दोनों नहीं चाहिए। तो अब मैं नवी मुंबई में रह रहा हूँ, राजेश से बचने के लिए उसके पास एड्रेस है ना। थैंक फॉर लिसनिंग, बाय।